स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर हमारा सियासी रन 2024 और आज हम सफर में आगे बढ़ेंगे बाड़मेर सीट की। थार का रेगिस्तान का सबसे बड़ा भूभाग और यूं करें तो एक ज्योग्राफिकली अगर हम लें एरिया वाइज तो देश का सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है बाड़मेर जैसलमेर। 8 विधानसभा सीट और अगर 2023 के 8 विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो 5 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 दो निर्दलीय। प्रियंका चौधरी बाड़मेर से और शिव से रविंद्र भाटी। ये चुनाव बड़ा रोचक है और हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मैदान में है, वो दूसरी पारी खेलने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल जिन्होंने आरएलपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन पकड़ा, और रविंद्र भाटी जो शिव से निर्दलीय विधायक के रूप में जीते और एक बार फिर वो सांसद के लिए ताल ठोक रहे हैं। ये कहना को अतिशयोक्ति है, बड़ी बात नहीं होगी कि पूरे देश के इलेक्शन कैंपेन में देखें तो ये वह क्षेत्र है जिसको बाड़मेर जैसलमेर नाम से ये प्रचारित किया गया था कि अगर किसी की पोस्टिंग जयपुर से बाड़मेर जैसलमेर कर देते तो समझिए कि उसको सजा दी गई है। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस लोकसभा क्षेत्र में उपयोग हो रहा है और कहा जाता है कि रविंद्र भाटी सोशल मीडिया से बनाए हुआ बड़ा नेता बन गया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी देवराज जुड़े हुए हैं और हमारे साथ महावीर बोरा जी कांग्रेस से हैं, दिलीप पालीवाल जी भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं दिलीप जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है लेकिन आपके सामने चुनौती है। चुनौती इस नाते है कि आप ही के पार्टी का दामन थामा रविंद्र भाटी ने, निर्दलीय चुनाव लड़ा विधायक का, शिव से विधायक जीत गए और उसके बाद अब लोकसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके कई दिग्गजों ने सभाएं कर दी हैं और 24 तारीख तक जब चुनाव प्रचार थमेगा तब तक हो सकता है कि और भी कुछ लोगों की सभाएं हों। तो क्या लग रहा है सर इस बार? जी दिलीप जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। 10 सेकंड खराब कर दिया आपने। आप जो बता रहे हो ऐसी कोई चुनौती नहीं है। 2014 का चुनाव देख लीजिए, उस समय भी त्रिकोणीय संघर्ष था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतराल से इस सीट को जीते थे। आज जो हम जो इस चुनाव के अंदर 10 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए उनके आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर बेल्ट पे है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव और ढाणी को सड़क से जोड़ा, भारतमाला प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा जो उसका एरिया वो शिव विधानसभा में पड़ता है, जिस रविंद्र जी की बात कर रहे हो उसी का क्षेत्र पड़ता है, उसमें निकली है भारतमाला प्रोजेक्ट। और तो आपको लग रहा है कि कोई चुनौती है ही नहीं कैलाश चौधरी के सामने, आपका ये कहना है? चले महावीर बोरा जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी को लगता है कोई चुनौती है ही नहीं, ये तो मीडिया में चर्चा है। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये हमेशा झूठी और छोटी बातें करते हैं। चुनौती नहीं है इनके सामने, ये तो इनका जी जानता है कि चुनौती है या नहीं है, ये कहां पर है, आज इनका क्या पोजीशन है। आप सर्वे उठा के देख लीजिए, जन जन से पूछ लीजिए कि बीजेपी किस स्तर पर है। मैं आपको थोड़ा 3-4 महीने पीछे ले जाना चाहता हूं कि बीजेपी की मोदी जी की रैली हुई थी बाईतू में, विधायक चुनाव में योगी जी ने रैली की थी शिव में, और ये भला किया इन्होंने कि बाड़मेर में इन्होंने एक जनसभा नहीं की थी बड़े नेता की, जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो चुकी थी। तो अब ये कह रहे कोई चुनौती नहीं है, ये तो इनके वो क्या कहें, भूलभुलैया में है। इन महाशय को मालूम नहीं है बाईतू की रैली 10 विधानसभा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। इस महाशय को मालूम ही नहीं है कि उस रैली में कौन कौन सी विधानसभा कवर हुई है बाईतू में, जिसमें से 10 में 7 विधानसभा बीजेपी जीती है। प्रधानमंत्री जी जहां पर जिस स्थान पर रैली करते हैं सबसे पहले उस विधानसभा की बात देखी जाएगी, और वो दिलीप जी आप बता दीजिए कि आपका कैंडिडेट कौन से स्थान पर रहा था। नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ बायतू विधानसभा में 7 हमारे जिले की, 8वीं विधानसभा जैसलमेर, 9वीं पोकरण और 10वीं शेरगढ़, इन सबको मिला के मीटिंग थी, केवल बायतू के क्षेत्र के नहीं थे, जिसमें से 7 हम जीते हैं 7।
कांग्रेस मात्र एक जीती, कैसी बात कर रहे हो, कांग्रेस एक सीट जीती है एक। आप ये बताइए कि भाई तुम्हें आपका कैंडिडेट कौन से स्थान पर रहा, ये बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ जब वो मीटिंग 10 विधानसभा की थी और कांग्रेस मात्र एक जीती और उसके बाद में कह रहे हो हमारे को 7 हम जीते, 2 हमारे निर्दलीय बाकी जीते। आप तो किसी स्थिति में हो, एक जीते हो एक 10 में से। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है सर। पालीवाल जी चलिए 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 महावीर जी और पालीवाल जी एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। देवराज हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। देवराज, रविंद्र भाटी के बारे में जो आपने बताया कि भाटी खुद ही जुड़ना चाहते हैं, दूसरे को किसी को नहीं जोड़ते हैं वो, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? अभी महावीर जी कह रहे हैं कि कोई चुनौती है ही नहीं, दिलीप जी कह रहे हैं कि कोई चुनौती है नहीं, महावीर जी कह रहे हैं कि चुनौती कड़ी है, ये दिल से जानते हैं। क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है, या फिर खारिज किया जाए त्रिकोणीय मुकाबले को? बिल्कुल साफ तौर पर बताना चाहूंगा सर, साफ तौर पर सीधे सा गणित है, त्रिकोणीय मुकाबला, अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो बीजेपी के इतने बड़े कदावर नेता, यहाँ तक के स्टार प्रचारक, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो इसका मतलब निस्संदेह उनको चिंता तो सता रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बिल्कुल साफ तौर पर यह चिंता है कि निर्दलीय जो विधायक शिव से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उसकी लोकप्रियता आप खुद देख सकते हैं, आज देश विदेश तक उसकी लोकप्रियता है, और जिस प्रकार से इस 26 साल के युवा ने दोनों पार्टियों के नाक में दम करके रखा गया है, और आज जिस प्रकार से उसने हेलीकॉप्टर के दौरे भी शुरू कर दिए, तो निसंदेह देखा जा सकता है दोनों पार्टियों के इलाके रखा है, और बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बताना चाहूंगा, अगर फलौदी सट्टा बाजार की भी माने जाए, तो आज के समय में रविंद्र सिंह भाटी को सीधे तौर पर जीत दी जा रही है, और ये सीट विभिन्न जो संस्थाएं हैं, चाहे चैनल्स हैं, जितने भी नेशनल चैनल्स हैं, उसमें साफ तौर पर बता रहा है ये सीट निर्दलीय के खाते में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए अभी तो कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, 26 तारीख को मतदान है, मतदान की क्या पोजीशन रहेगी ये तो हम 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे तभी कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तय है कि ये कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है, और मुकाबले में कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर कही जा सकती है, मानी जा सकती है। हालांकि बीजेपी इसे खारिज कर रही है कि कोई चुनौती नहीं। मैं एक बार फिर वापस रुक करना चाहूंगा भाजपा का, दिलीप पालीवाल साहब का। पालीवाल साहब, हमारे सहयोगी देवराज का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और यहाँ के कंट्रास्ट में अगर हम बात करें तो रविंद्र भाटी पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप 4-5 महीने पहले से विधानसभा में जाइए, जहां रविंद्र भाटी जीता, चतुर्थकोणीय संघर्ष में जीता है, चतुर्थकोणीय संघर्ष में, और 4,500-5,000 वोटों से जीता है, और उसके बाद में जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर, और आज के समय में उसको मालूम है, मालूम है कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जनता समझ रही है निर्दलीय नुकसान किसको है, भाटी से नुकसान किसको हो रहा, बीजेपी को, कांग्रेस को? वो तो आप जो 4 जून को जो परिणाम आएंगे ना, मैंने बताया कमोबेश ऐसी ही स्थिति 2014 में थी, जिस समय में माननीय जसवंत सिंह जी बागी थे, हमारे कर्नल सोनाराम थे, कांग्रेस थे, हरीश चौधरी थे, ये की ये स्थिति थी, ये की ये सेम स्थिति जो अभी आप देख रहे हो वैसी स्थिति थी, उसमें भी हम जीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर वोट मांग रही है, और जनता का मन नरेंद्र मोदी को वोट देने को है, और नरेंद्र मोदी को वोट देगी, बीजेपी जीतेगी। चले, आपको कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी तरह का? मैं एक बार फिर महावीर बोहरा जी का रुख करना चाहूंगा। बोहरा साहब, जाते समीकरणों में भी काफी उलझा हुआ है बाड़मेर का चुनाव, वहां जाटों का दबदबा है, राजपूत है, मुस्लिम है, और दूसरी जाति है, लेकिन मैंने तो सुना है कि 25 तारीख को जाट समाज की कोई बैठक है अंदरूनी, उसमें तय होगा कि कैलाश चौधरी या उम्मीदवार, और इसी पे यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत का फैसला करेगा, जो हमें इंटरनली पता चल पा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि मैं बाड़मेर से कोसों दूर बैठा हूं, लेकिन हमें जो इनपुट्स मिले उस हिसाब से, तो क्या लगता है अभी आपको जातियों को लुभाने पे ज्यादा आप लोग के कवायद कर रहे हैं, या फिर मतदाता के लिए? सर, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस ने कभी जातिवाद का नहीं लिया, हम मुद्दे लेकर है, और हम विफलता वर्सेस उपलब्धियों का चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी सरकार की 10 सालों की विफलता है, और सरकार ने 70 सालों में क्या किया, पिछले 5 सालों में हमने क्या किया, अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां लेकर हम जा रहे हैं मैदान के अंदर। ये बात आपने अभी बात उठी कि एक कोई मीटिंग हुई जाटों की, मैं आपको ये बता दूं कि देश भर में होगी, हुई नहीं है, होगी होगी ये सर, आपने देश भर में एक सुन रखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटा हुआ है और ये बीजेपी के मैं रोकना चाह रहा हूँ। तो चलिए जाके समीकरणों में ये पूरा चुनाव इस बार ऊर्जा दिखाई दे रहा है। खासकर बाड़मेर की हम बात करें, बाड़मेर में इस वक्त चुनाव में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं और त्रिकोणीय मुकाबले से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक बीजेपी का दावा कुछ हो, कांग्रेस का दावा कुछ हो, लेकिन रविंद्र भाटी की उपलब्ध जो उपस्थिति है, उन्होंने अपनी दमक के साथ में उपस्थिति दर्ज कराई है और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चक्करगनी कर रखी। जीतेगा कौन ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, ये तो 4 जून को जब हम चर्चा करेंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रेगिस्तान का चुनाव काफी रोचक नोट पे पहुंच गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम रुक करेंगे ब्रेक के बाद जोधपुर का, जो अपने आप में गजेंद्र सिंह शेखावत के चलते हॉट सीट है। लौटेंगे थोड़ी देर के बाद। थैंक यू।